हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आए हैं हम भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के घर, जो कि छापरा जिला के धानादी गांव में स्थित है। चलिए चलते हैं उनके घर की तरफ। देख सकते हैं खेसारी लाल का घर कितना बड़ा है, 3 फ्लोर है ये घर। 2 साल से इसमें काम चल रहा है, अभी काम चल ही रहा है। खेसारी लाल के घर के अंदर देख सकते हैं अभी भी इसमें काम चल ही रहा है। ये खेसारी भैया का पुराना वाली इनोवा है और ये खुद का यहाँ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। उनके घर में काम चल ही रहा है। आइए ऊपर चलते हैं, ये है सीढ़ी। चलते हैं, पूरा घर का फ्लोर दिखाते हैं, कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है इसमें। देख सकते हैं बालू गिरा हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। ये 1 फ्लोर है पूरा ऐसा बना हुआ है। चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर, तो सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं। देख सकते हैं काम चल ही रहा है अभी। अभी तक इसमें मिस्त्री काम ही कर रहे हैं, मिस्त्री लेबर। अभी फिनिशिंग, घर का फिनिशिंग चल रहा है, फिनिशिंग अभी बाकी है। देखते हैं इसमें और कितना टाइम लगता है। करीब 2 साल से बन ही रहा है ये, 2 साल से काम चालू है इसमें कंटिन्यू। देख सकते हैं ये घर, ये रूम फिनिशिंग हो ही चुका है, फिनिशिंग चालू है इस घर का। कंटिन्यू इसमें काम चालू रहता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत बना है। तो आ गए हैं लास्ट फ्लोर पर। उनका घर का मॉडल काफ़ी अच्छा है, चल ही रहा है अभी काम। बहुत अच्छा मॉडल है उनके घर का पूरा। उनके खेसारी भैया के गांव का पूरा नज़ारा देखते हैं यहाँ से, पूरा धानादी गांव देख सकते हैं उनके घर से। खेसारी भैया के घर रोड पर ही है, मेन रोड पर ही है। यहाँ से मेन रोड भी दिख रहा है, मेन रोड पर ही है। इस गांव में आते जाते घर ये दिखता ही है। हम सब चलते हैं खेसारी भैया के छत पे, वहाँ से दिखाते हैं उनके घर गाँव का पूरा नज़ारा। अरे भैया के सबसे लास्ट फ्लोर छत पर, यानी छत पर उनके आ चुके हैं। ये देख सकते हैं उनके यहाँ से पूरा रोड, उनका गांव दिखता है, उनके गांव का मंदिर है वहाँ। देख सकते हैं उनके गांव का पूरा खेत, उनके गांव दिखता है उनके छत पर से। उनके घर के जस्ट सामने ही एक मंदिर है जर्ती माँ का, दिख सकता है। और यहाँ पर काफ़ी कूल हवा लग रहा है खेसारी भैया के छत पर, काफ़ी कूल। देख सकते हैं उनके छत पर से उनके गाँव, आस के जो भी गांव है यहाँ से दिखता है, काफी दूर तक यहाँ से दिखता है। ये देख सकते हैं उनके गांव का बाजू वाला गांव दिख रहा है, पोखरभिंडा। छत पर से 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में पूरा दिखता है यहाँ से, आप देख सकते हैं। खेसारी भैया के घर का दक्षिण साइड से उनका ईट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दिख रही है, जो खेसारी इंटरप्राइजेज है। और साथ में ये कृष्णा के दर्द भी जाते हैं, 2 बेड लगा हुआ है उसी के लिए। अरे भैया के रूम के जस्ट बाजू में ही है लिफ्ट लगने वाला है, देख सकते हैं। ये लिफ्ट का जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ से लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। देखते हैं खेसारी भैया के पीछे साइड का घर का व्यू दिखाते हैं। चलिए पीछे का व्यू दिखाते हैं और इनका ईट फैक्ट्री दिखाते हैं पास से। ये रहा खेसारी भैया की ईट फैक्ट्री, ये कृति ईट है, कृति ईट होम, जो उनकी बेटी का नाम है। सारे भैया आपने इस फैक्ट्री में विकलांग लोगों के लिए ये सांचल बना कर रखे हुए हैं काफ़ी मात्रा में, जो अभी तक बांटे नहीं है। खेसारी भैया आएंगे तो इसको बांटेंगे। खेसारी भैया का इस फैक्ट्री देख सकते हैं आप लोग, इसमें ईट तैयार होता है बनके। और देख सकते हैं खेसारी भैया के ये स्कॉर्पियो और उनका पुराना बाइक, और ये रहा है बुलेट। खेसारी भैया आते हैं तो इसी बुलेट से घूमते हैं। अरे भैया के
घर के दो गेट हैं, बाउंड्री के अंदर दो गेट हैं, एक इन एक आउट बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आउट होंगे। आज के मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस ब्लॉग को इतना शेयर करें कि खेसारी बेग पास चला जाए, वायरल हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।